नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। ग्राउंड्स से रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स आज अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलने जा रही है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन पर सामने होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। खैर, ये तो बताने की जरूरत नहीं थी। बतौर कप्तान कुणाल पांड्या और नीतीश राणा आमने सामने होंगे। इस मैच में आपकी टीम एक नई जर्सी में नजर आएगी। कई लोग कह रहे हैं कि मरून कलर की जो ये जर्सी है ब्लू से बेहतर है। चलिए, ये तो बाद की बात है। मैं बता दूं कि आपकी टीम के मेंटोर गौतम गंभीर का ये पसंदीदा मैदान है। गंभीर यहाँ के रग रग से वाकिफ है। उनकी कप्तानी में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो बार चैंपियनशिप जीती है। 2012 में 2014 में आईपीएल चैंपियन बनी थी कोलकाता की टीम। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों का आखिरी लीग मैच है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सुपर जायंट्स ने अब तक टूर्नामेंट में 13 मैचों में 7 में जीत हासिल करके कुल 15 अंक जोड़े हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 मैचों में 6 मुकाबले जीतकर 12 अंक हासिल किए हैं। केएल राहुल के चोटिल होने के कारण बाहर हो जाने के बाद कुणाल पांड्या ने कप्तानी की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। खासकर मुंबई इंडियंस के खिलाफ रिटायर्ड होना एक रणनीति का हिस्सा माना गया। हालांकि उन्हें वाकई चोट लगी थी। ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ करिश्माई प्रदर्शन किया। स्टोइनिस ने टूर्नामेंट में अब तक 13 मैचों में 151 के स्ट्राइक रेट से कुल 368 रन बनाए हैं। इस सीजन उन्होंने अब तक 5 विकेट झटके भी हैं। गेंदबाजी में मोहसिन खान, अरविंद बिश्नोई प्रभावित साबित हुए हैं। एलएसजी को प्लेऑफ के लिए यह मुकाबला जीतना ही होगा। पिछले दो मैचों में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस को अच्छी तरह से हराया है। टीम को क्विंटन डिकॉक और काइल मायर से बड़ी पारी की उम्मीदें होंगी। The last thing I wanted to say was I would like us to play this game tomorrow, like a quarterfinal. Yeah, we take these guys on again in the same brave way that we did the last game. दूसरी तरफ केकेआर के लिए ये सीजन अच्छा नहीं रहा है। उनकी टीम विनिंग कॉम्बिनेशन ही तैयार नहीं कर पाई। पिछले मैच में केकेआर के लिए सुनील नरेन ने शानदार बॉलिंग जरूर की थी। उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे और फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे। हाँ, रिंकू सिंह और नीतीश राणा अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाए थे। ईडन गार्डन्स के मैदान पर हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलते रहे हैं। यहाँ टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। इस ग्राउंड पर पहली इनिंग का औसत स्कोर 170 के करीब रहा है। इस ग्राउंड पर अभी तक इस सीजन 6 मैच खेले गए हैं। इनमें से 3 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और उतने ही मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। ईडन गार्डन्स पर इस सीजन सबसे बड़ा स्कोर 235 रन का रहा है, जो सीएसके ने बनाया था, चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया था। यहाँ 4 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बन चुका है। यहाँ सबसे कम स्कोर केकेआर ने बनाया था, वो भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 149 रन बना पाई थी। इस ग्राउंड पर पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था, जिसमें केकेआर ने जीत हासिल की थी। तो कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और आपकी टीम जिस तरह से लय में है, उस लय को अगर बरकरार रखती है तो प्लेऑफ में पहुंचने से आपकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को कोई भी नहीं रोक सकता। सही समय पर टीम लय में लौटी है, सही समय पर बल्लेबाज फॉर्म में लौटे हैं और सही समय पर गेंदबाजों ने लय पकड़ी है। तो दुआ कीजिए कि आपकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार दूसरे साल आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचती है। प्लेऑफ में क्या पहुंचती है, बल्कि इस बार खिताब पर भी कब्जा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।